खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। करके आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे सबसे ज़्यादा खुशी की बात और अच्छी बात यह है कि ये जो इस पूजा के साथ साथ, ये मंडप के साथ साथ, आई थिंक यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं इनकी भी संख्या बहुत बढ़ चुकी है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे भोग बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे से भोग दिया जाता है। देयर टेबल्स चेयर्स वेरी सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन के मामले में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट दुर्गा पूजा आई हैव अटेंडेड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। मैं पूरे इस मलाड वेस्ट के सार्वजनिक दुर्गा पूजा के सारे ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देती हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, आई विश देम दैट द गिव हैव मोर बिगर मोर नाइसर लाइक दिस दुर्गा पूजा एवरी ईयर। मुझे बहुत खुशी होगी यहाँ आने में, बहुत संतुष्टि मिल रही है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए ऑफकोर्स थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी तरफ से दुर्गा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इतने पावन दिन चल रहे हैं, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर। मलाड वेस्ट सार्वजनिक जो दुर्गा महोत्सव यहाँ पे रखा गया है एंड इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन है, इतने प्यारे प्यारे लोग सज के आए हुए हैं, सो अपने आप में ही एक बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। और आपको तो पता ही इलेक्शंस का माहौल है, उसमें से निकल के इसीलिए मैं देवी माता को पूजा करने आई हूँ कि आने वाले वक्त में जो भी आए हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ सोचे और कुछ अच्छा करे। आपने चुनाव की बात की है, तो क्या लगता है क्या होगा? ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा असमंजस वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे पता ही नहीं है कि पब्लिक का माहौल क्या है इस बार, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको भी पता है त्रस्त हैं जो जो चल रहा है। आज ही सेव आरे फॉरेस्ट का जो मुद्दा चल रहा है, आरे कॉलोनी हमारा जो लंग्स है मुंबई के, आरे के फॉरेस्ट को काटा जा रहा है मेट्रो बनाने के लिए। सो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी PMC बैंक का जो हुआ, RBI ने जो निकाला कि वो वहाँ से आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, या फिर दिन पर दिन जो नए नए रूल्स निकल रहे हैं सरकार की तरफ से, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में रोष है। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, पार्टी कोई भी आए, सरकार किसी की भी बने, उनको एक आम जनता आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। सबसे पहले तो जिस क्षेत्र में मैं खड़ी हूँ मलाड, वहाँ से मेरे काफ़ी प्रिय दोस्त असलम शेख जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे लोग काफ़ी चाहते हैं उनको, बहुत पसंद करते हैं। मैंने खुद उनके साथ यहाँ पे काम किया हुआ है और उनका काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। सो माहौल मुझे नहीं पता कि क्या रहेगा, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि इस बार चुनाव का रिज़ल्ट आना चाहिए अच्छा कांग्रेस के लिए, क्योंकि BJP से लोग त्रस्त हैं।